बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अश्लील फिल्मों के बनाने के मामले में गिरफ्तार हो चुके राज कुंद्रा फिलहाल जमानत पर अभी बाहर हैं। अब धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंद्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ ये FIR मुंबई के बांद्रा थाने में नितिन बरई नाम के शख्स ने दर्ज कराई है। FIR में काशिफ खान का नाम भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक साल 2014 के एक धोखाधड़ी के मामले में यह FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें शिकायतकर्ता ने 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा और काशिफ खान पर लगाया है। नितिन बरई ने अपने शिकायत में बताया है कि साल 2014 में SFL फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक काशिफ खान ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के साथ मिलकर पीड़िता को फिटनेस बिजनेस में 1.51 करोड़ रुपए के निवेश करने को कहा था, लेकिन बाद में जब बात नहीं बनी तो पैसा भी वापस नहीं किए और उसके बाद उन्होंने धमकी भी देना शुरू कर दिया। पुलिस ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा और काशिफ खान के खिलाफ धारा 406, 409, 420, 506, 34, 120B के तहत FIR दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस भी इस मामले में जल्दी इनसे पूछताछ कर सकती है। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का पक्ष जानने के लिए मुंबई पुलिस जल्दी इनसे संपर्क भी करेगी। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट के साथ। धन्यवाद।